ना बांटना बरतना लिखना सब उसके अंदर हराम है। हमारा नाम वजाहत अली है, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। आज का जो अनुवाद था, आजकल के यंगस्टर्स इसी टॉपिक पर कई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। एक सेक्शन उनको कुफ्र कहता है, जो ये ऐसे कई साइट्स अवेलेबल है जो इसको कैलकुलेशन कर कर बनाते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड रख देते हैं कि ये हो गया है और ये आने वाली है, तो उन्हें ये बनाने वालों को कुछ लोग कुफ्र का फतवा दे देते हैं। कुछ लोग जो इनको इग्नोर करते हैं वो कहते हैं कि आपने को इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो लोग इनको कुफ्र का फतवा दे देते हैं। तो आपकी रोशनी चाहता हूँ इस उनवान पर। मैंने एक सवाल किया कि वो क़यामत की अलामत के मामले में जो इफ़रात और तफरीत के लोग शिकार होते हैं, तो बहुत सारे लोग डेट भी दे देते हैं कि भाई ये साल ये सन में क़यामत, चूँकि ये निशानी आ गई तो अब इसका इतने साल है इतने दिन है और ऐसा हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग उनको कुफ्र का फतवा दे देते हैं कि ये तो काफिर है इसलिए कि ऐसा कह रहे हैं। देखिए, हम इस मामले में जो है, जहाँ तक मामला काफिर किसी को बोलने का है, इस मामले में बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। चाहे कोई भी हो, अगर क़ानूनी हैसियत उसकी मुसलमान की है तो काफिर कहना, उसकी तशहीर करना कि वो काफिर है, हाँ आप ये ज़रूर कहिए कि इस मामले में वो मुगालते में आ गया, इस मामले में उससे बड़ी चूक हो गई कि उसने क़यामत की तारीख दे दी जो ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई ना अल्लाह जो है कुरान ने कहा है ना, और वो तारीख देने की बुनियाद उसका गेस वर्क होता है, चूँकि वो लगाता है कि देखो अब ये निशानी आ गई तो अब इसके बाद ये निशानी आ जाएंगी, तो लिहाजा बस हदीस में अल्फाज क़यामत की निशानी जब ज़ाहिर होंगी बड़ी, तो ऐसी ज़ाहिर होंगी जैसा एक माला टूट जाता है और एक के बाद एक मोती घिसकना शुरू होते हैं, तो फिर वो गेस करता है कि इतने सालों में फिर वो फिट हो जाती है। तो याद रखिए, हम कुफ्र के फतवे लगाने से बचें। हाँ, उलमा की एक जमात जो इस बात को समझती है कि उसका वो शिद्दत, जिस शिद्दत से वो तबलीग कर रहा है अपने उस डेट की, उसकी जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, तौबा और तायब हो रहे हैं, या पता नहीं क्या क्या हो रही, दुनिया तब्दीली हो रही, घर बार बेच के निकल जा रहे हैं, जो समझ रहा ऐसा हो रहा है, और अगर वो कहे कि अगर इस चीज़ से तुम बाज ना आओ, और अगर तुम बाज ना आए तो फिर हम तुमको काफिर का फतवा दे देंगे, ठीक है, वो उनकी समझ से अगर वो करते हैं तो एक अलग शक्ल है, लेकिन हर आदमी दूसरे से कहे तुमने कहे थे फलाएं और कुफ्र, और इस मामले में बहुत एहतियात करना चाहिए। वरना मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, बहुत से दाई हजरात को देखा, जिन्होंने अल्लाह रहम करे कि ऐलान कर दिया कि क़यामत जो है 12 में, किसी ने 13 में, किसी ने 16 में, किसी ने 20 के अंदाजे भी लगा लिए, चूँकि उनके नज़दीक हम सबसे ज़्यादा माहिर थे इन निशानियों को समझने में, जबकि अंदाज़ा लगाए जिनको बोला गया वो सहाबा का भी डेट नहीं निकाल सके, उसके बाद सलफ़ सालहीन कोई डेट नहीं निकाल सके, आज बड़े बड़े आइम्मा है वो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से डेट्स निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट ला लेते हैं, तो बहरहाल दुरुस्त नहीं है। रहा मामला उनको कुफ्र बोलना, तो उस मामले में हम एहतियात करें। रहा उनका कुफ्र काफिर बोलना आपको कि तुम इस चीज़ को नहीं मानते तो आप काफिर है, तो उनके पास तो कोई दलील नहीं, बेसलेस बातें याद रखी। लेकिन कोई आपको सिर्फ काफिर कहे तो आप उनको जवाब में काफिर कहें, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं होगा। आप ये कहे वल्लाहु आलम, एहतियात करो इस मामले में, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीन की रिवायत है, आपने फरमाया कि अपने भाई को आए मुनाफिक है काफिर ना कहो, इसलिए कि वो ना हुआ तो बात पलट कर आएंगी तुम्हारी तरफ, तो लिहाजा हम तो उसको नहीं कहेंगे, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता उसका हाल क्या है, लेकिन ऐसे लोगों का काम है कि दूसरों काफिर ना करो, हमारे भी काम है इस मामले हम बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और खामोखा डेट्स, तारीखें और सन और सदियाँ क़यामत की ने बताए जो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई और जो सहाबा ने नहीं बताया, और ये गलतफहमी होती है, बहुत से लोग बोलते 14वीं सदी के बाद का कुरान हदीस में कहीं भी नहीं है, तो 14वीं सदी का भी कुरान हदीस में कहीं भी नहीं आता, उसके बाद का तो छोड़ दीजिए, तो आप जब बोल रहे हो 14वीं सदी के बाद का कुरान हदीस में नहीं है, मतलब 14 तक है, तो 14 तक भी नहीं है, कुरान ने कोई डेट और कोई सन का तस्करा ही नहीं किया क़यामत तालु से, तो इस मामले में हम एहतियात करें और इफ़रात और तफरीत का शिकार ना हो जो है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।